जैसे मन माना चे मो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, हमने तीज फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। आशा करती हूँ कि आपकी भी तीज बहुत अच्छी रही होगी। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि मैंने पूरा तीज का दिन किस तरह से बिताया, तीज को कैसे सेलिब्रेट। तो देखिए, तीज की शुरुआत मैं मंदिर को साफ करने से करूंगी। पहले तीज के दिन सबसे पहले मंदिर को साफ कर लूंगी, उसके बाद ये हरे रंग का जो कपड़ा है ये मंदिर में बिछा दूंगी। तो देखिए, यहाँ पर मंदिर में जितनी भी मूर्तियां हैं वो सभी मैंने यहाँ पर थाल में विराजमान कर ली है, और इसके बाद मैं सभी को स्नान करा दूंगी। रोजाना तो मैं सिर्फ लड्डू गोपाल जी को स्नान आती हूं और उनका श्रृंगार करती हूं, लेकिन जब कोई तीज त्योहार होता है या जिस दिन मैं मंदिर की डीप क्लीनिंग करती हूं, उस दिन मैं सभी मूर्तियों को स्नान कराती हूं। तो यहां पर देखिए, सभी को स्नान करा के सभी को अच्छे से कॉटन के कपड़े से हम पोंछ लेंगे, उसके बाद मैं मंदिर को साफ कर लूंगी। तो देखिए, यहां पर मंदिर साफ हो गया है। अब हम तीज के अकॉर्डिंग थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर डेकोरेशन हो चुकी है, इसके बाद मैं पूजा करूंगी। और देखिए, सावन के महीने में भगवान शिव शंकर का पूजन तो रोजाना ही किया जाता है, लेकिन हरियाली तीज है तो हरियाली तीज के दिन भगवान शिव शंकर के साथ साथ माता पार्वती का भी पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है, और पूजा कंप्लीट करने के बाद अब मैं लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाऊंगी। फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी का झूला मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया है, मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाया इसलिए बहुत ज्यादा डेकोरेशन मैं नहीं कर पाई। जल्दी जल्दी में जो भी घर पे चीजें अवेलेबल थी उसी से मैंने थोड़ी मंदिर की और झूले की डेकोरेशन की है, और थोड़े से मैंने यहाँ पर मोगरे के फूल डाले हैं, क्योंकि मोगरे के फूल में ना बहुत अच्छी सी खुशबू आती रहती है और वो फेस्टिवल वाली फीलिंग आती है घर में। जैसे ही घर में एंट्री करते हैं तो बहुत अच्छी सी खुशबू, एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। इसके बाद देखिए, लड्डू गोपाल जी को हम झूला झुलाएंगे। लड्डू गोपाल जी ने भी हरे रंग की पोशाक पहनी है और बहुत ही सुंदर सा मैंने श्रृंगार किया है लड्डू गोपाल जी का। और देखिए, लड्डू गोपाल जी झूला झूल रहे हैं। तीज के दिन घर में आप जितने भी सदस्य हैं सभी बारी बारी से लड्डू गोपाल जी को जरूर झूला झुलाएं। हम तो तीज के दिन लड्डू गोपाल जी को 2-3 बार झूला झुलाते हैं। एक बार तो सुबह स्नान कराने के बाद झूला झुलाते हैं और उसके बाद शाम को भी एक बार झूला झुलाते हैं। तो देखिए, आप मंदिर में सभी के दर्शन कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर भोग आरती पूजा सब हो चुकी है, लड्डू गोपाल जी को झूला झुला दिया है। इसके बाद घर के थोड़े से काम जो भी होते हैं वो सब निपटा के और फिर मैं तैयार हो गई हूँ झूला झूलने के लिए। और देखिए, ये साड़ी बहुत ही हल्की और कंफर्टेबल है, इसको पहन के पूरा दिन आराम से रहा जा सकता है और काम भी कर सकते हैं। हैवी साड़ी पहनती तो फिर पूरा दिन काम करना बहुत मुश्किल हो जाता, तो इसलिए मैंने हल्की सी साड़ी पहनी है। और देखिए, अब हम जाएंगे झूला झूलने। तो वहां पर हमारी जो देवरानी जेठानी है वो सभी इकट्ठा हो गई होंगी, तो सभी यहाँ पर आ गए हैं। हम लोग देवरानी जेठानी तो हैं ही, साथ में बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी हैं, और जब मिलते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं। इधर मुंह और देखिए, खूब झूला झूलने के बाद, खूब मस्ती करने के बाद अब हम चने रोप रहे हैं। हमारे यहाँ पर मेरी ससुराल में तीज से एक दिन पहले ही शाम को चने भिगो देते हैं, और तीज वाले दिन शाम के समय बेरी के पेड़ में जो कांटे होते हैं ना उसमें चने लगाए जाते हैं, चने रोपे जाते हैं। तो ये रिवाज है यहाँ पर, मेरे मायके में ऐसा रिवाज नहीं है लेकिन ससुराल में ऐसा ही रिवाज है। हर तीज के दिन हम इसी तरह से चने रोपते हैं, बहुत शुभ माना जाता है इसको। कहा जाता है कि इससे घर में अनधन होता है, मायके
में ससुराल में भंडारे भरे रहते हैं। और देखिए चने रोपने के बाद हम वापस घर चल दिए हैं। अभी घर में आकर सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाया। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को शाम के समय भी आप झूला जरूर झुला सकते हैं, दिन छिपने से पहले पहले आप झूला झुलाएं, दिन छिपने के बाद झूला नहीं झुलाते हैं। तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएंगे और परिवार के सभी सदस्य हम लोग लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाते हैं। झूला झुलाने के बाद फिर मैं अपनी साड़ी चेंज कर लूँगी क्योंकि अभी मुझे खाना वाना बनाना है, तो कपड़े चेंज करके उसके बाद फिर मैं शाम का खाना बनाऊँगी। और देखिए खाने में हमारे यहाँ पर हलवा पूरी जरूर बनता है, भोग के लिए बनाया जाता है। उसके अलावा आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, लेकिन हलवा पूरी तो हमें बनाना ही होता है, तो सबसे पहले मैं वही बना लूँगी। देखिए उसके बाद जैसा भी बच्चों का मन होगा तो बच्चों के अकॉर्डिंग जो भी वो चाहेंगे वो चीज़ बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं पूरियाँ बना रही हूँ। और इसके साथ ही देखिए जब भी त्यौहार होता है ना तो किचन बहुत बुरी तरह फैलती है, तो एक बार मैं आपको किचन दिखा देती हूँ कि कैसे फैली हुई है। और सच कहूँ तो मुझे पता था कि वीडियो बन रहा है, इसलिए मैंने बहुत संभल के काम किया है। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा फैलाव ना फैलाऊँ, लेकिन फिर भी किचन में अगर काम करते हैं तो थोड़ा बहुत तो फैलता ही है। और ये सामने विंडो में मैं आपको दिख रही होंगी, तो यहाँ पर मैं हूँ। तो देखिए इस तरह से अभी मैं फटाफट खाना बना लूँगी, खाना बनाने के बाद सभी को खाना खिला दूंगी और उसके बाद सारा निपटा लूँगी काम अपना जो भी है किचन का, और इस तरह से तीज का दिन पूरा हो जाएगा। मैंने तीज कैसे मनाई ये मैंने वीडियो में दिखाया है, आप लोगों ने तीज कैसे मनाई वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग किस तरह से तीज मनाते हैं। और अगर आपको तीज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।